ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर दानी? रात को अच्छी सी नींद, इस बात की तसल्ली कर, और मैंने माँ को भी बता दिया घर में जितना भी कैश है या चुल्ली वो सब बैंक के लॉकर में रखवा दिया। मतलब आपको भी लग रहा है कि टिप्पी जी के आने की वजह से हम सुरक्षित नहीं? मुझे भी लग रहा है ना, और किसे लग रहा है? मुझे भी लग रहा है। आई कांट बिलीव इट साबिक, अभी कुछ वक्त पहले तुम वहां खड़े हो मुझे लंबा लेक्चर दी, मुझे ज्ञान बांटी कि मुझे कभी कभी इमोशनल भी सोचना चाहिए, लोगों को परखना नहीं चाहिए हमेशा दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचना चाहिए। तो अब तुम मुझसे यहाँ खड़े होके ये कह रहे कि तुम टिम्पी को लेके खुश हो? जानती हूँ कि ये माँ का फैसला है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं हमने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया जल्दबाजी में बिना हालातों को परखे। शायद हमें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए। Stop it, सारे ऐसे नहीं सोचता, कुछ भी करने से पहले सोचता, सब कुछ हो जाने के बाद। जानती हूँ मिस्टर, आपको लोगों की बहुत फर्क है, इसीलिए तो बिजनेस वर्ल्ड में आपकी सोच बूझ आपकी इंटेलिजेंस सबको माना जाता है। ने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ये जो दौलत है, इतना बड़ा घर है, ये सब इस बात का प्रूफ है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। और मैं मेरा क्या मुझे, मैं तो अगर एक साल भी छत्री के साथ चला तो भी इसका शायद 3% भी इकट्ठा ना करता। मिस्टर दालमिया प्लीज सामने खुद नहीं देखती, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज क्या हम एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए अपने मतभेदों को साइड में नहीं रख सकते, टिम्पी नाम की प्रॉब्लम का हल साथ में नहीं निकाल सकते? प्लीज हम एक बार के लिए पार्टनर्स की तरह काम नहीं कर सकते।